दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आप बनारस के एक नए मंदिर को देख रहे हैं। इस मंदिर का नाम है त्रिदेव मंदिर। यह मंदिर के कैंपस का एरिया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर आने पर और मंदिर के जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं उसके बाहर का क्षेत्र है। यह मंदिर बीएचयू या लंका से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है और कैंट रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। ऑटो की सुविधा यहाँ पे हमेशा रहती है। 24 घंटे कैंट से आप यहाँ आ सकते हैं। ऑटो वाले कैंट स्टेशन से इस मंदिर तक का लगभग 20 रुपये किराया लेते हैं। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ से होते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर की भव्यता आप देख ही रहे हैं और काफ़ी भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की सबसे खास बात है कि यह मंदिर पूर्णतः वातानुकूलित मंदिर है, आधुनिक समय का आधुनिक मंदिर। बनारस में अभी कोई भी मंदिर एयर कंडीशन्ड नहीं है। यह पूर्णतः वातानुकूलित मंदिर है और इस मंदिर में श्री त्रिदेव जी की मूर्ति विराजित है। यहाँ पे भक्तगण काफ़ी दूर दूर से आते हैं। सिर्फ बनारस के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ भक्तगण प्रतिदिन आते हैं दर्शन हेतु। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दर्शक, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आने वाले को दर्शक शब्द कहना उचित नहीं होगा, भक्तगण कहना उचित होगा। यहाँ पे भक्तगण कतार लगा के दर्शन कर रहे हैं और फूल माला अर्पित करते हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस मंदिर का जो भीतरी क्षेत्र है, इस समय हम भीतरी क्षेत्र में हैं और मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे प्रकाश की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बिल्कुल रोशनी से चकाचौंध मंदिर है। देख के काफ़ी खूबसूरती का एहसास हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे।